All right, students. So let us see this challenging problem for today's class. It says for every positive real number, g x is defined by some limit, and you have to find the value of g x by x when x approaches infinity. Mm -hmm. तो देखने में थोड़ा सा dangerous लगता है सवाल, पर honestly speaking उतना dangerous नहीं है जितना हम believe कर रहे हैं. तो पहले break करते हैं. Obviously बात है. इसको solve करने के लिए हमें पहले g x निकालना पड़ेगा. उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर मैं जी में देखता हूं तो जीएक्स एक्चुअल में दो वेरिएबल्स का गेम चल रहा है कौन कौन से वेरिएबल्स का बच्चों एक एक्स और एक आर का पर अगर मैं इस लिहाज से सोचूं, इस लेवल पे सोचूं जीएक्स के लेवल पे तो जीएक्स के लेवल पे बच्चों जो हमारा आ, आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास यहां पर जीएक्स में एक्स है दैट इज इक्वल टू सेटेंट पहली बात ये क्लियर कर लीजिए Of limit क्या है? R है. तो सर एक बार डाल के देखें क्या बन रहा है अगर मैं को जीरो पुट करता हूँ तो वॉट आई विल गेट वन प्लस एक्स और अगर करोगे तो वन बनता है और ऊपर आ रहा है हमने बात कर ली तो सर पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंट सोलविंग दी क्वेश्चन देखो देर कुड बी मल्टीपल मेथड्स बाई विच यू कैन solve. मैं जो method समझा रहा हूँ वो मुझे लगता है कि एक इंट्यूटिव method है अगर आप अटकते हैं तो हर एक मैथ्स के सवाल में आप ये चीज कर सकते हैं क्या है वो तरीका सर जब भी पावर आती है तो हम पावर को रिड्यूस कैसे करते हैं येस दैट्स द बेसिक थिंग विच आई एम डूइंग विल टेक लॉग मैंने लॉग ले लिया अच्छा लॉग से लिमिट को कोई फर्क पड़ता है नहीं सर ये बात क्लियर है कि लॉग से लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट अभी भी वही रहेगी क्योंकि वो तो वेरिएबल डिपेंडेंट है तो मैंने यहाँ क्या कर दिया बच्चों ये मेरा हो गया लॉग एंड ऑबवियसली आई एम टेकिंग विथ बेस अच्छा अब अगर क्या करें सर अब तो हमने ये चलो लिख देते हैं जल्दी से अब क्या करें सर बट अब आ जाते हैं लिमिट के फंडे पे पहले हम लोग किस फॉर्म में थे बच्चों अभी ये याद करते चलिए आप थे वन रेस्ट टू पर इन्फिनिटी फॉर्म में लॉग जब आप ले लेते हैं इसका जब आप इसका क्या करेंगे लॉग ले लेंगे तो कमाल की बात ये किस फॉर्म में आ गया नोटिस करो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया ये कैसे सर वैल्यूज डाल के देखिए आर तो यहाँ अप्रोचिंग जीरो था ही और अब मैं यहाँ आर को जीरो डालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा वन और उसका हो गया लॉग लॉग वन क्या होता है जीरो तो ये तो बात क्लियर हो गई सर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म और जीरो बाय जीरो फॉर्म यस यू हर्ड इट यू थॉट इट राइट एलेच रूल बहुत बढ़िया अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप इतने क्वेश्चंस को इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व पक्का से कर लोगे तो मैंने जब डेरिवेटिव लिया बच्चों तो ये बात तो क्लियर है जो डेरिवेटिव में ये जो डिनोमिनेटर है आर दिस विल बी वेनिश्ड क्योंकि ये तो वन बन जाएगा और लॉक का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स प्लस वन जो थोड़े से शार्प बच्चे होंगे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उनको पता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये वन ही बनना है पर चलिए कोई नहीं अब आगे जो हम गलती करते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या होता है वो मैं बताता हूं अब आप क्या करेंगे आप कहेंगे सर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है एक्स प्लस वन रेस टू पार आर प्लस वन सर इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है एक्स प्लस वन ये हो गया और एक्स प्लस वन की पावर आर है ना आर प्लस वन इन टू ये कुछ हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विच इज एब्सुलूटली रॉन्ग क्यों यहां पर वेरिएबल ऑफ लिमिट कौन है ये नोटिस करना था आर तो ये डेरेवेट कैसे होगा बच्चों मुझे करना है एक्स प्लस वन रेस टू पार आर प्लस वन बट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर ये बस एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी तो ये आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानेंगे ए रेस्ट टू पार एक्स टाइप का बहुत बढ़िया अगर इतना समझ में आ गया ना तो काम हो गया एक्चुअल में क्वेश्चन में तो ये क्या बन जाएगा आर प्लस वन और एल एन एक्स प्लस वन ये बात समझ में आई सबको और ऐसे ही यहाँ कंटिन्यू करता हूँ तो माइनस एक्स रेस टू पार आर प्लस वन एल एन एक्स क्यों सर ये कहां से आ गया अरे यार सिंपल है आप जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मैंने यूज क्या करा है ए रेस टू पार एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए रेस टू पार एक्स एल एन ए ये याद करिएगा अब अगर मैं नोटिस करता हूं क्या चीज वो देखते चलिएगा ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये तो वन हो गई क्यों आप आर को जीरो डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स विच इज वन विच इज फाइनाइट दैट मीन्स मैं इसको बड़ी आसानी से हटा सकता था अपने क्वेश्चन में तो मेरे पास बचा क्या एल एन जी एक्स इज इक्वल टू अब ये जो भयंकर सी चीज आ रही है ये माइनस वाली है ना ये बना तो अगर मैं इसको लिखना चाहता थोड़ी देर के लिए आपके लिए, लिए लिख देता हूँ और उसके बाद मैं हटा दूंगा इसको भी क्यों अब यहाँ पर आर का कोई रोल है बच्चों यहां पर कोई आर का रोल क्योंकि मैंने अभी यहाँ लिमिट लगानी थी लिमिट आर अप्रोचिंग ज़ीरो तो आर को अगर मैं ज़ीरो को वन डाल देता हूँ जो भी मेरी लिमिट आर है तो ये कितना बन जाएगा एक्स प्लस वन एलेन अरे सर वाह ये तो अब मेरा फंक्शन ऑफ़ एक्स आ गया जो मुझे चाहिए था जी एक्स मेरा एक फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए था आर का रोल मैंने ख़त्म कर दिया तो जी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है एल एन का फंक्शन है मैं इस पूरे को भी क्या करूँगा एलेन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही सोच है आपकी तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन प्लस दिस एंड दिस कोड बी इजिली कन्वर्टेड टू x रेस टू पार x और ये आ गया एल एन जी एक्स सो यहां से हम विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन ईजिली से कि ये क्या हो जाएगा x प्लस वन रेस टू पार x प्लस वन डिवाइडेड बाई x रेस टू पार x बड़ा सिमेट्रिकल सा लग रहा है ना सवाल कि सर x प्लस वन था उसकी पावर x प्लस वन और नीचे भी क्या था x उसकी पावर एक्स आ गया विच इज कमिंग फ्रॉम नथिंग बट ये इस तरीके से अरेंज थे यहाँ पर बट अब तुम्हें समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत और कि सर यहाँ पर एक्स प्लस वन है ऊपर पावर तो नीचे भी पावर एक्स प्लस वन होनी चाहिए थी क्योंकि ये पॉलिनॉमल और ये भी पॉलिनोमल है ये थॉट कहाँ से आ रहा है मुझे क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन का जो कॉम्पोनेट है बच्चों वो सॉल्व क्या करना है मुझे मुझे सॉल्व करना था लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी जी एक्स बाई एक्स और उसके लिए तो पावर बराबर चाहिए अब समझ में आ गया वो डिवाइड बाय एक्स एक्चुअल में क्यों दिया हुआ था वो एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते ये क्या बना एक्स टू पावर एक्स अब सिंस डिनोमिनेटर में भी एक्स आ गया तो यहाँ पर पावर ऑफ एक्स इंक्रीज हो गई और आप इसको टोटली पावर ऑफ एक्स प्लस वन लिख सकते थे बैंग ऑन सुपर इफ यू वर एबल टू थिंक और प्री थिंक दिस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया सर कैसे क्योंकि जो अंदर है बच्चों ये हो गया पॉलिनोमल बाय पॉलिनोमिल पॉलिनोमल बाय पॉलिनोमल की अगर हम बात करते हैं तो एक्स प्लस वन बाई एक्स मतलब कोफिशियंट लीडिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स वन तो ये बेसिकली वन रेसर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई फिर से ठीक है बट इसको सिंप्लीफाई करें तो एक बहुत प्यारा टर्म निकल के आता है वो देखिए क्या तो मैंने क्या करा एक एक्स प्लस वन बाई एक्स को अलग करा ठीक है इसका आंसर निकल आएगा और एक जो बना मैंने एक से डिवाइड कर दिया देखिए एक एक से डिवाइड करा एक फॉर्म ऐसे लिख दी हा या ना वन पर इन्फिनिटी था क्योंकि ये आंसर अब समझ में आ गया क्यों फायदा क्या हुआ इससे सो दिस विल लीड अस टू आंसर वन ये तो आंसर वन हो गया बाय वोलिनोमल और बच्चों इसका महत्वपूर्ण आंसर जो आप सबको रटा होता है वो हो आ गया ई वन रेस्टूपर इन्फिनिटी फॉर्म वन प्लस एफ एक्स वेयर टू पार वन बाई एफेक्स वेयर एफ एक्स टेंस टू जीरो यहां पर वो रोल वन बाय एक्स प्ले कर रहा है तो फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर ब्यूटिफुल प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट ये मेरा आंसर हो गया ठीक है जी होप यू अंडरस्टुड इन्जॉयड लेंदी प्रॉब्लम था आप हो सकता है आप में से कई ने किसी और प्रोसेस से सॉल्व करा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी थी अदरवाइज घबराना नहीं है बस ये याद रखना है क्वेश्चन लेंदी होंगे पर बहुत डिफिकल्ट हों ये ज़रूरी नहीं है और अगला सवाल जो हम लोग कवर करेंगे अपनी स्पेशल चैलेंजिंग सीरीज में दिस इज दी होमवर्क प्रॉब्लम विच यू कैन से फॉर यू गर्स सो आई वुड वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट वॉट वुड बी द आंसर एंड टू कम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो टू सी हाउ आई हैव सोल्व और वेदर यू हैव सॉल्व इट करेक्टली और नॉट गॉड ब्लैस कीप वर्किंग हार्ड आई मेक श्योर दैट यू कीप लविंग मैथ्स एंड एन्जॉय मैथ्स